पे शादी का कार्यक्रम चालू था, बरमाला हो रहा था, उसी क्रम में वो बाहर में गोली पूरा फायरिंग कर रहा था। मतलब और लोग था, एक था, एक तो बिक्की यादव था, एक क्या तो नाम था, हम बताए हुए थे, भूल रहे हैं उसका नाम, शुभम कुमार सिंह था। एक तरफ जहां बज रही थी शहनाई की गूंज, तो वहीं दूसरी तरफ गोलियों के तरतराहट से गूंज उठा मैरिज हॉल। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार की राजधानी पटना में आए दिनों अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है और पुलिस का इकबाल भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के दानापुर की, जहां पर एक मैरिज हॉल में कुछ अराजक तत्व के द्वारा अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई। राजधानी पटना के दानापुर में खगोल रोड स्थित एक मैरिज हॉल में देर रात अपराधियों ने शादी समारोह के दौरान दूल्हे के बड़े भाई और बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान गोल्डन सिंह और सर्वेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। वहीं दोनों जमुई के मलेपुर के रहने वाले हैं। इस घटना के वक्त मैरिज हॉल के अंदर जयमाल चल रहा था। वहीं जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 6 गोलियां चलाई और गोली मारने वाले में विक्की और उनके साथी थे। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मृतकों के परिजन। तो हम लोग बारात आए थे, जमुई से बारात आए थे, बारात आए तो वो लोग, लड़का भी बारात में आया हुआ था, मतलब ना हम लोग के बारात की तरफ से था ना उस बारात की तरफ से था, वो तीसरा कोई था, क्योंकि हम लोग समझा कि उसको अंदर में भी बदमाशी किया हमने। अंदर जब अंदर हेल गए थे, बारात जब अंदर भी चल गया तो उस समय भी मतलब बारात में भी नाच उच भी रहा था, उसके बाद अंदर भी बदमाशी किया था, हम लोग समझा बुझा के उसको भेज दिए थे, लेकिन वो बोला कि हम आएंगे तो फिर आते हैं सबको लेकर हम लोग को बताते हैं। उसके बाद वहाँ पे शादी का कार्यक्रम चालू था, बरमाला हो रहा था, उसी क्रम में वो बाहर में गोली पूरा फायरिंग कर रहा था। मतलब और लोग था, एक था, एक तो बिक्की यादव था, एक क्या तो नाम था, हम बताए हुए थे, भूल रहे हैं उसका नाम, शुभम कुमार सिंह था, ठीक ना, ये दो था, जो दो हम लोग के मेरे सामने ही उसको दोनों को गोली मारा, और मतलब मोटरसाइकिल 4 को घुरा रहा था, और लोग था पूरा फायरिंग कर रहा था, हम लोग पर, मेरे पर भी गोली चलाया, मेरे भाई पर भी गोली चला, हम लोग तो दौड़ के भाग गए। ये दोनों को उसी समय मतलब स्पॉट डेट वही हो गए दोनों। हाँ, एक ना एक हमारे बहनोई है सर्वेंद्र कुमार सिंह, ये मानिकपुर और जिला भागलपुर, एक है ग्राम हो गया भूना चटिया बम्पर थाना और जिला मुंगेर हो गया, और ये सब जम्मू में मल्लेपुर में ही रहते थे, अपना मकान सबका है, वहीं रहते थे, वहीं से बारात आए थे, वहीं से मल्लेपुर जम्मू से आए थे बारात। कहाँ पर आए थे? ये यहाँ पे आए थे, क्या कहते हैं, रुद्रा मैरिज हॉल यहाँ पे आए थे। हाँ, लगभग 7-8 के संख्या में थे वो लोग, 4 मोटरसाइकिल था, 4 घुमा रहा था, आई दोनों तो मार दिया हुआ, उसका भी गोली फायरिंग कर रहा था पूरा, लेकिन ये दोनों ही मारा, और उसके बाद ये दोनों को गिराने के बाद फिर हम दोनों भाई पर भी गोली चलाया, और घायल नहीं है कोई, हम लोग भाग गए थे, और वो क्या कहते हैं, पोखा वोखा भी तो वहाँ बहुत मिल गया वहाँ। हाँ, मेरा विजय शेखर सिंह नाम है, मल्लेपुर जमुई के रहने वाला। नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का प्यार था, कुछ भी नहीं, हम लोग जानते भी नहीं है कौन है। देखिए, पूरा मामला जो है वो दानापुर से सामने निकल कर आया है, जहां पर मैरिज हॉल में अपराधियों के द्वारा 6 राउंड फायरिंग की गई, और फायरिंग में दूल्हे के भाई और बहनोई को गोली लगी और गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।